बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। इस तरह के फिल्मों को हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो फिल्में समाज में नफरत फैलाए, जो फिल्में समाज को कहीं ना कहीं, भाजपा के लोग उस पर ओछी और गंदी राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार के सामने लोग तरह तरह की मांग रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की हमेशा विचारधारा रही है कि कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, कभी भी तनावपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे, मैं रत्नेश पांडे। दर्शकों, एक फिल्म इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में जिस तरीके से धर्मांतरण की चीज़ें दिखाई गई हैं, केरल में जो स्थितियां बन रही हैं उसके ऊपर में ये पूरी फिल्म जो है वो बनाई गई है, जिसके बाद से ये पूरा विवाद जो है वो पकड़ लिया। देश भर में जहां राजनीति गर्म है, तो बिहार में भी राजनीति द केरला फिल्म्स को लेकर के खूब हो रही है। बिहार में जहाँ बीजेपी केरला फिल्म को लेकर सपोर्ट कर रही है, तो वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार इसके पूरे विरोध में आ चुकी है। बिहार में टैक्स फ्री कराने के लिए भाजपा और महागठबंधन आमने सामने हो गई है। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है और इस पत्र में केरला फिल्म को लेकर के, द केरला फाइल्स को लेकर के जो है, द केरला स्टोरी को लेकर के टैक्स फ्री कराने की चर्चा कर दी है, जिसके बाद से महागठबंधन और भाजपा आमने सामने आ गई है। चलिए एक एक करके उन तमाम बयानों को सुना देते हैं जिनमें केरला फिल्म्स को लेकर के चर्चा की गई है। सबसे पहले सम्राट चौधरी को सुनते हैं, उसके बाद राजद के प्रवक्ता हैं उनको सुनेंगे, फिर उसके बाद जदयू के प्रवक्ता हैं उनको भी सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है। हाँ, तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने। पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है, वह तुष्टिकरण हो रहा है। ऐसी फिल्में कभी भी स्वीकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो भाजपा फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत फिल्मों के माध्यम से अपने राजनीतिक लाभ का एक माध्यम बना रही है। इस तरह के फिल्मों को हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो फिल्में समाज में नफरत फैलाए, जो फिल्में समाज को कहीं ना कहीं उस तरह से प्रस्तुत करे जो कहीं हकीकत में है ही नहीं, इस तरह की बातें प्रचारित करने वाली फिल्में किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और ऐसी फिल्मों से सबको परहेज करनी चाहिए। हम समझते हैं कि जो इस तरह की फिल्में आई हैं वो फिल्में कभी भी समाज के लिए, असमाज के हित के लिए नहीं है। कोई भी चलचित्र या धारावाहिक मनोरंजन के लिए होते हैं। इनकी कहानियां या तो काल्पनिक होती हैं या सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। जहां तक द केरला स्टोरी की बात है, अगर सिनेमा में दिखाई गई कहानी सत्य है तो यह बेहद गंभीर मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। गृह मंत्रालय के यह फेलियर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब भाजपा के लोग इस पर ओछी और गंदी राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार के सामने लोग तरह तरह की मांग रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की हमेशा विचारधारा रही है कि कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, कभी भी तनावपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से विवाद जो है वो केरला फिल्म्स को लेकर के, द केरला फिल्म्स को लेकर के चल रही है। अब इसके बाद से बिहार में टैक्स फ्री कराना जाना है। आपको बताया कि बिहार के पहले उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर देश के कई राज्यों में ये फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी बिहार में भी टैक्स फ्री कराने की बात कर रही है। तो महागठबंधन इसका
जमकर विरोध भी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।